हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजी एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें दो रूल यूज होते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा रूल फर्स्ट है, इसका स्ट्रक्चर है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, इसमें जो क्या वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही आया है, तो इसलिए यहाँ पे हम रूल फर्स्ट यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा रूल सेकंड है वो कहाँ पर काम आता है, जहाँ पर कोई सेंटेंस कैसे, कब, क्यों, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा रूल सेकंड यूज होता है। फ्रेंड्स, पहले हम रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग 10 सेंटेंसेस करेंगे, उसके बाद हम रूल सेकंड के अकॉर्डिंग 10 सेंटेंसेस करेंगे WH वाले। फ्रेंड्स, एक बार हम रूल सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, WH प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, ये हमारे रूल सेकंड का स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग इनको ट्रांसलेट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। सबसे पहले हम डू या डस का यूज करेंगे। क्या वह स्कूल जाता है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम डस यूज करेंगे। डस, सब्जेक्ट हमारा वह ही, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जाता है, गो टू कहां पे, स्कूल, गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ना क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अब हम सेकंड सेंटेंस करेंगे, क्या वह निधि को जानती है। यहाँ पे वह है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे। डज शी, जानती है के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, किसे, निधि को, निधि कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, डज शी नो निधि क्वेश्चन मार्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम रोज स्नान करते हो। तुम, यू, यहाँ पे हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। डू यू स्नान, बाथ रोज, डेली, Do you bath daily? Question mark. अगला sentence है, क्या वे तुम्हें पीटते हैं। Do they beat you? Question mark. Next sentence, क्या मैं वहां जाता हूँ। I के साथ भी हम do use करते हैं। Do I, जाता है, go, वहां, there. Do I go there? Question mark. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह कक्षा में हंसता है। क्या वह, तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे। डज ही, हंसने के लिए, लाफ कहाँ पे, कक्षा में, इन द क्लास, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज ही लाफ इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम चाय पीते हो। डू यू ड्रिंक है, पर यहाँ पे हम टेक यूज करेंगे। टेक चाय, टी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू टेक टी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम व्याकरण सीखते हो। यहाँ पे भी हम डू यू यूज करेंगे। डू यू सीखना, सीखने के लिए लर्न, क्या, व्याकरण, तो ग्रामर। डू यू लर्न ग्रामर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या गायें घास खाती है। Does the cow eat grass question mark। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सोती है, तो यहाँ पे भी हम does लगाएंगे। Does she, सोने के लिए sleep, तो हमारा सेंटेंस बनेगा Does she sleep question mark। फ्रेंड्स, अब हम रूल सेकंड के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है
WH plus do या does plus subject plus verb की first form plus object plus question mark. हमारा first sentence है, वह कहाँ रहती है. यहाँ पे कहाँ बीच में है, तो यहाँ पे ये हमारे WH वाले questions हैं. कहाँ के लिए हम where यूज करते हैं. आगे do या does में से does यूज होएगा. सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो हम she लिखेंगे. के लिए लीव, तो हमारा सेंटेंस बनेगा where does she live question mark. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या करते हो. क्या के लिए हम what यूज करेंगे. तुम, you, you हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे do. What do, क्या करते हो. You, तुम के लिए you, करना do, तो हमारा सेंटेंस बनेगा What do you do? Question mark. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शाम तुम्हें क्यों बुलाता है. क्यों के लिए हम यूज करेंगे why. तो एक पर्सन का नेम है, तो यहाँ पे does आएगा. Why does शाम क्यों बुलाता है. Call you, हमारा सेंटेंस बनेगा Why does शाम call you? Question mark. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जॉन पानी में कैसे तैरता है. कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ. जॉन एक पर्सन का नेम है, तो डज यूज होएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ डज जॉन स्विम इन वॉटर क्वेश्चन मार्क. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितनी किताबें रखता है. यहाँ पे हम कितनी के लिए हाउ मैनी यूज करेंगे. हाउ मैनी बुक्स डज ही हैव क्वेश्चन मार्क. मास्टर जी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं. क्या के लिए व्हाट. मास्टर एक है, तो डज. व्हाट डज द टीचर टीच यू क्वेश्चन मार्क. तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या चाहते हो. तो यहाँ पे क्या व्हाट डू यूज होएगा यू के साथ. व्हाट डू यू चाहने के लिए हम यूज करते हैं वांट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू वांट क्वेश्चन मार्क. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रोजाना कहाँ जाती है. वेयर डज शी गो डेली क्वेश्चन मार्क. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप किस क्लास में पढ़ते हो. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन विच क्लास डू यू रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे क्यों डांटते हो. फ्रेंड्स यह सेंटेंस आपके लिए, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर.